हेलो गाइस, तो ब्लीच के 1000 ईयर वर्ल्ड आर्क के मैं 13 एपिसोड्स और बचे हुए मांगा चैप्टर्स को खत्म करने के बाद आपके सामने आ गया हूँ अपने फर्स्ट वीडियो को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ब्लीच 1000 ईयर वर्ल्ड आर्क का, और इसमें आपको मैं पूरा रिव्यू दूंगा विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स। तो यार, ब्लीच खत्म करने के बाद मुझे एक ही शब्द कहना है यार, मजा आ गया। और ये मज़ा मैं सारे एनिमे लवर्स को देना चाहता हूँ, तो इसलिए आज मैं हर चीज़ बताऊंगा जो कि मुझे लगा आपको जानना चाहिए, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे इस एनिमे को लेके। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये था कि इचिगो कौन है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, उसके जानपाक्टो वर्ल्ड में वो दो लोग कौन हैं, इचिगो की मॉम कौन थी, इचिगो के फादर और उनकी मॉम कैसे मिले साथ में। इस सीरीज में आप ये भी जानोगे कि हु इज द क्रिएटर ऑफ जानपाक्टो और पहली जानपाक्टो का नाम क्या है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितना हवा सोल किंग का बनाया गया था उसको देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि सोल किंग के लिए केवल एक ही लाइन ये है, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो। तो यार सही बताऊं तो वही हाल बेचारे सोल किंग का था पूरी सीरीज में। इस बार कुछ बैक हिस्ट्री दिखाई गई है केनपाची ज़राकी की, जो कि 11th डिवीजन के कमांडर है, और जो उनके साथ एक लड़की थी याचिरो, जो कि लेफ्टिनेंट है उस कमांड उस डिवीजन की, तो वो कौन है, उन दोनों की थोड़ी बैक हिस्ट्री दिखाई गई है। मेनली जो बैक हिस्ट्री दिखाई गई है वो केनपाची ज़राकी की दिखाई गई है, और एक्चुअली में याचिरो कौन है उसके बारे में बताया गया है। इस सीरीज के जो मेन विलन है युहा बाहा, उसके बारे में जानेंगे हम, कौन है ये, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसका सोल किंग के साथ क्या रिलेशन है, और सोल किंग पैलेस को जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि स्क्वाड जीरो के मेंबर्स हैं, वो स्क्वाड जीरो के मेंबर्स क्यों स्पेशल हैं, उनको क्यों स्क्वाड जीरो में एडमिशन मिला है। भाई उनका एडमिशन होने के लिए भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी जो कि उन्होंने पूरे की है, ठीक है। तो वो हम जानेंगे कि वो क्या है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे इचिगो और युहा बाहा का क्या रिलेशन है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीजें उसकी मदद से रिलेटेड है जो कि हमें इसमें जानने को मिलेंगी। अभी 1000 ईयर वर्ल्ड आर्क के आई थिंक 13 एपिसोड नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं, और बाकी के बचे हुए एपिसोड जो हैं वो जुलाई के अराउंड आएंगे। तो काफी कुछ है इस बार एक्सप्लोर करने के लिए इस सीरीज में, तो डेफिनेटली यार आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यार मैं तो पक्का कहूंगा कि आप ये पूरी सीरीज देखो और फुल एंजॉय करो। इस पूरे एनिमे यार में बहुत सारी फाइट्स है, बहुत सारे एक्शन पैक्ड सीन है, और एक्चुअली मुझे इन सब टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, बट चूंकि ये स्पॉइलर फ्री है तो डेफिनेटली मैं कुछ अपने नए वीडियोस में इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आप लोग भी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और मैं फर्दर ऐसे कंटेंट में क्या क्या चेंजेस लाऊं, क्या नई चीजें ऐड करूं, ताकि हम एक साथ ग्रो करें और अपनी एनिमे कम्युनिटी को और बड़ा करें।